हेलो फूड लवर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बॉम्बे स्ट्रीट सैंडविच घर पे कैसे बनाए जाएं। तो लीजिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए मल्टीग्रेन ब्रेड्स, आप चाहें तो सादी ब्रेड्स भी ले सकते हैं। ये ब्रेड्स के सैंडविच बनाने के लिए हमको जो सामान लगेगा, धनिया की चटनी, उबले हुए स्लाइस्ड आलू, ककड़ी स्लाइस की हुई, बारीक कटे प्याज, बारीक कटी शिमला मिर्च और स्लाइस किए हुए टमाटर और सॉस और चीज और बटर। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइस को खोल लेंगे और उस पर अच्छे से बटर को लगा लेंगे। मीन्स आपके किनारे भी पूरी तरह से लग जाने चाहिए। आप चाहें तो आलू की जगह पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सब पे बटर लग चुका है। अब हम दो स्लाइस पे चटनी लगाएंगे। बिल्कुल चटनी भी आप बिल्कुल अच्छे से लगाएं। ये हमने चटनी लगा ली है। अब हम इस पे आलू की स्लाइस अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब ध्यान रहे कि सब्जियों को जितना पतला स्लाइस करेंगे सैंडविच उतने ही टेस्टी बनेंगे। अब इस पे हमें मसाला अच्छे से डालना है। ये सैंडविच मसाला है, ये बाजार में रेडीमेड भी मिलता है और घर में भी बना सकते हैं। अब हम इस पे ककड़ी का लेयर लगाएंगे। ककड़ी का लेयर चारों तरफ लगाएंगे और बीच के पोर्शन थोड़ा खाली रखेंगे। इस तरह चारों तरफ ककड़ी को स्प्रेड आउट करेंगे। अब यहाँ हम थोड़े से बारीक कटे प्याज करीब एक छोटे चम्मच के अंदाज से डालेंगे। अब हम चीज क्यूब लेंगे। यहाँ मैंने प्रोसेस चीज इस्तेमाल करी है और इसको ग्रेट करते हुए सैंडविच पर डालेंगे। जब हमें डालना है तभी हम ग्रेट करेंगे तो चीज बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। बिल्कुल थोड़ी सी चीज लगती है, ज्यादा बिल्कुल नहीं लगती है। ये हमने चीज ग्रेट करके डाल दी है। अब हम हमारी शिमला मिर्च डालेंगे। अगर बच्चों को नहीं पसंद है तो आप ये चीज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ टमाटर के स्लाइस लगाएंगे, दो स्लाइस इनफ होते हैं। अब ये इस पर हम सॉस, ये सादा वाला टमाटो केचप लिया है, लगाएंगे और इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और प्रेस कर देंगे। इसी तरह दूसरी स्लाइस पे भी लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे और इस पे उल्टा रख के प्रेस कर देंगे। अब हमने यहाँ हमारा सैंडविच मेकर रेडी रखा है, इसमें हम हमारे सैंडविच रखेंगे और इसको ढककर सिकने के लिए छोड़ देंगे। करीब चार सैंडविच में हमारी एक मीडियम ककड़ी, एक मीडियम आलू, एक मीडियम प्याज और एक मीडियम टमाटर और एक मीडियम शिमला मिर्च। मीन्स अगर हम मीडियम साइज की सब चीज एक एक पोर्शन में लेते हैं तो उससे हमारे चार या पांच सैंडविच बन जाते हैं। सैंडविच के ऊपर बटर बिल्कुल नहीं लगाना है। बटर लगाने से हमारी ब्रेड थोड़ी देर से सिकती है और अच्छा फ्लेवर नहीं देगी। तो जब हमारा सैंडविच पूरा सिक जाएगा हम उसके बाद ही इस पर बटर लगाएंगे।
बीच में हमें एक बार देखना है और इस तरह इसको पलट देना है। उससे क्या होगा, दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। सैंडविच सिके हैं या नहीं? वाओ, बहुत अच्छे सिक गए हैं। अब हम इन्हें उठा लेंगे और अब सिकने के बाद आप इस पे अच्छे से बटर लगा लीजिए, तो इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। और अब काटने के लिए इसको कैसे काटना है वो बताती हूँ। पहले आप बीच में इसको दोनों हाथों से होल्ड करें और बीच में से स्लाइस करें और किनारे पे अच्छे से काटें और फिर इसको घुमाएं और दूसरी बार फिर बीच में से ही शुरू करें और किनारे पे अच्छे से काटें। और ये देखिए, नहीं कटता है तो इसको धीरे से पलट दें और फिर काटें, तो आपका सैंडविच बहुत अच्छे से कट के अलग हो जाएगा। ये देखिए, हमारा सैंडविच बहुत अच्छे से सिक चुका है। यम्मी, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। यहाँ हम इस तरह इसको रखेंगे और सैंडविच के साथ सॉस और चटनी दोनों ही सर्व किए जाते हैं, तो उससे दोनों बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। लीजिए, हमारे यम्मी क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हैं।